अभी सुखदेव नगर थाना में सनसनीखेज मामला सामने आया है। वहीं एक विद्यानगर प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप लगाया जा रहा है कि बच्चे के मौसी के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया जा रहा है। और अभी मैं सुखदेव नगर थाना में हूँ और यहाँ पर जो दोनों पक्ष के लोग हैं वो दोनों पक्ष मौजूद हैं। आइए दोनों पक्षों से बात करते हैं और दोनों पक्षों की बात आपके सामने रखते हैं कि कौन सही है, कौन जायज़ है या कौन नहीं जायज़ है। क्या कुछ मामला है बताइए। बच्चा को पढ़ाने के बाद में टेस्ट लेने के लिए मैम बोली तो 10 में 10 मार्क्स लाना था बच्चा को, तो बच्चा 10 में 10 टेस्ट नहीं ला नहीं पाई तो टेबल था 2 का टेबल में लिखी थी गलत, तो गलत मैम दे दी तो घर जाके वो मिटा ली पूरा। मिटाने के बाद में वो सही लिख के दी और उस मैडम को गलत ठहरा दी कि नहीं मैडम पढ़ाने नहीं जानती है, सही को भी गलत दे दी। और ये आपको कैसे पता चल रहा है कि बच्चा गलत लिखा था और बच्चा घर जाके मिटाया था? मैम ने खुद ही देखी कॉपी और बच्चा ने खुद बोला कि मैम हमको मिटाने के लिए बोली घर वाला ने, उसी में मैं सर बुलाए पेरेंट्स को फिर बोले कि क्यों ऐसा किए आप, पूछना चाहिए कि आपका बच्चा क्या लिखा नहीं लिखा, पहले पूछना चाहिए बच्चा को कि बेटा तुम जानती है कि नहीं जानती है, ऐसा ही तुम क्यों की। तो सर से झगड़ने लगी, सर को झपटने लगी हमसे, तो हम सर बोले कि मनी इनको बाहर ले जाओ, तो हमने बाहर लाया तो मेरा दांत काट दी पूरा हाथ में, हाँ दांत ही काट दी, मेरे को मारने लगी फिर मेरा झोटा पकड़ने लगी, उसके बाद मैं सर को आरोप लगा दी। हमने अंदर गया तब तक सर से पूरा नोट सर को पूरा ही कर ली, झपट ली पूरा शेर की तरह, शेरनी की तरह पूरा झपट के दोनों मारने लगे, 3 लोग मिल के मारे। हम लोग सब अंदर चले गए फिर आरोप लगाने लगी सर को कि सर हम मेरे को छेड़खानी किया। 16-17 टीचर वहाँ पढ़ाते हैं, उस लोग को आज तक सर ने कुछ छुआ तक टच तक नहीं किया, उस लेडीज को कैसे टच कर लेंगे। तो जब वो लेडी हाथ उठाई, जब वो आप लोगों पे हाथ उठाई, प्रिंसिपल पे हाथ उठाई, तो आप लोगों ने कुछ कदम क्यों नहीं उठाया? हम लोग इसीलिए कदम नहीं उठाए कि स्कूल है, स्कूल का बदनामी हो जाएगा बोल के, वो अपना जो कर्म था वो कर ली, अपने खुद चोट लगा ली, अपने खुद सब कुछ खर्च कर ली, कांच फोड़ ली, सारा चीज़ फोड़ के सर को बोल दी सर ने मेरे को मारा, लेकिन सर ने उसको छुआ तक नहीं। देखिए यहाँ दाती काटा हुआ है मेरा, दिख रहा है, देखिए अभी तक दाती काटा हुआ है, इतना बड़ा दिख रहा है पूरा। मेरा बच्चा को भी चोट लगा है, यहाँ चोट लगा है, देखिए यहाँ चोट लगा है, देखिए यहाँ चोट लगा है, चोट का निशान देखिए, बच्चे पे चोट लगा है, देखिए कान में पूरा, देखिए कैसे नोच नाच दी थी। सर लोग यहाँ पे मैम सुनने के तैयारे नहीं है, मैम सुन रही वही लोग का बात की नहीं, लड़की को आप लोग बुला के पेरेंट्स को बुला के आप लोग छिड़कानी किए। हाँ स्कूल में कैमरा लगा हुआ है, कैमरा में सिर्फ ये लोग तोड़ फोड़ कर रही वो दिखाई दे रहा है, सर ने मारा वो भी नहीं, कुछ नहीं छुआ ही नहीं तो मारेगा क्या सर, उसको कुछ नहीं किए हैं सर उसको, वो अपने से तोड़ फोड़ करके अपने चोट लगा के बोली कि सर ने मेरे को ऐसे किया। उसका कहना है स्कूल को बंद कराएंगे, उसका कहना है कि हम चलने नहीं देंगे, उसका कहना ये है। जैसा कि हमने अभी प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश तो की पर वो बात करने की स्थिति में नहीं थे, बात करने की हालत में नहीं थे, और हमने उनके चेहरे पर ज़ख्म देखे और शायद उनकी हालत नहीं थी कि वो अभी हमारे साथ खड़े होकर बात कर सके। तो अब हम दूसरे पक्ष की बात सुनते हैं, उनकी भी बात को आपके सामने रखते हैं। आपकी बेटी उसी स्कूल में पढ़ती है? मेरी बेटी नहीं है, मेरी बहन की बेटी। हाँ बहन की बेटी उसी स्कूल में पढ़ती है? हाँ स्कूल में पढ़ती है, अब नहीं पढ़ेगी। क्या कुछ मामला है? मामला है व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्यों डालें कंप्लेन, हम उसको पर्सनली क्यों नहीं बोले, उसका स्कूल का रेपुटेशन खराब हुआ, ये उसका कहना है कि स्कूल का रेपुटेशन खराब हुआ। आप पर्सनली बोलते तो आपका शॉर्ट आउट होता, आप ग्रुप में डाले तो आपके साथ मारपीट होगा। क्या डाली थी ग्रुप पे? मैथ का 2 का टेबल ये गलत चेक की थी, बच्चा सही लिखा हुआ था ये गलत चेक करके घर भेजी थी, उसमें मार्क कम किया गया था। तो मैं सिर्फ इतना पूछी कि इसमें मिस्टेक क्या है, फ्यूचर के लिए मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चा आगे गलती ये ना करे, हमको ये गलती जानना है कि क्या गलती है। टेबल तो सही है, हो सकता है वर्ड गलत लिखना हो, हाँ ये हम जानना चाहते थे और इसीलिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मिस्टेक क्या है वो मैं डाली थी। जब हमने इस दूसरे पक्ष से बात किया तो उन्होंने बताया कि वो बच्चा घर जाके मिटा करके सही लिखा हुआ, उसके बाद उस चीज़ को व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाला गया। फिर वो एक्सेप्ट कैसे की कि मेरा टीचर नया है तो वो हर बराहट में नर्वस में ऐसा गलती करती, वो एक्सेप्ट कैसे किया? आपके पास क्या प्रूफ है कि टीचर एक्सेप्ट किया था? वो व्हाट्सएप में मैसेज क्यों नहीं किया, हम जब कंप्लेन किए वो व्हाट्सएप में मैसेज क्यों नहीं की कि आपका बच्चा गलत किया है? हम लोगों को बताया गया है कि आप जाके प्रिंसिपल ऑफिस पे भी मारपीट की है, वहाँ का स्कूल का शीशा तोड़ी है, फुटेज दिखाई, वो शीशा तोड़कर मेरे चेहरे पे मारा है और मेरा चेहरा मैं चेहरे पे मारना नहीं चाहता तो वो हमको मारना। दिखाइए क्या लगा है, देखिए
आप हमारे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि इनको कैसे चोट आई है। तो प्रिंसिपल या प्रिंसिपल तो हमसे बात नहीं करना चाहते, पर जो हमारे साथ बात की उन्होंने बताया उसका मुंह है बात करने के लायक। एफिलिएटेड स्कूल है, ऑथराइजेशन है उसका 10th का चलाने का है, उसके पास पूछिएगा। पहले हम सिर्फ एक साल के लिए इसलिए डालते हैं कि TCM को चाहिए, बस इतना घटिया स्कूल है ये जानते ना, तो हम डालते ही नहीं स्कूल में। प्रिंसिपल पहले किया था, फिर इसकी वाइफ की, तब हम इसी बात पर बोले कि आप जो पेरेंट्स गाली गलौज करता है वो स्टूडेंट को क्या सिखाएगा। हमको कहता है कि दाई नौकड़ का काम करती है तो वो खुद क्या सीखा है बताए हमको, कि हम कुछ भी करें, हम पढ़े, हम दाई नौकर का काम करें, हम नाली साफ करें, कुछ भी करें, ये मेरा पर्सनल मैटर है, दिस इज़ नॉट देयर मैटर। तो जैसा कि आपने दोनों पक्षों का बात सुना, पहले पक्ष की भी बात हमने आपको सुनाई और अभी जो हमारे साथ मौजूद थी वो दूसरी पक्ष थी, उनका भी बात हमने आपको सुनाया। और शायद ये क्या मामला है, या वो सही बोल रहे हैं या ये सही बोल रहे हैं, ये तो जानने वाली बात है, ये अभी हमें पता नहीं है पूरे तरीके से कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, क्या सच्चाई है। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें GN भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।